हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टेटमेंट्स विद इन इफ। देखिए, इफ स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में तो आप लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसका कैसे यूज़ किया जाता है। आज हम लोग बात करते हैं कि अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर कि मान लीजिए कोई अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है और उसके बाद हमको कई स्टेटमेंट देने हैं या हमको कई प्रोसेसिंग करवानी है तो हम कैसे देंगे, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल स्टेटमेंट विद इन इफ, मल्टीपल स्टेटमेंट्स विद इन इफ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर किस कहीं पे किसी प्रोग्राम में इफ यू वांट टू मोर देन वन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन फॉलोइंग इफ इज सेटिस्फाइड, इफ सच मल्टीपल स्टेटमेंट आर टू बी एग्जीक्यूटेड देन दे मस्ट बी प्लेस्ड विद इन ए पेयर ऑफ ब्रेसेस। तो अगर कई स्टेटमेंट्स को हमको एग्जीक्यूट करना है तो हमें क्या करना होगा कि उसको इफ स्टेटमेंट के बाद हमको ब्रैकेट के अंदर देना होगा। अब पैरेंथेसिस के अंदर हमको उसको देना होगा। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि सपोज कीजिए द करेंट ईयर एंड द ईयर इन विच द एम्प्लॉई ज्वाइंट द ऑर्गेनाइजेशन आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। मतलब इस समय कौन सा साल चल रहा है, करेंट ईयर, आप ऐसे समझ लीजिए करेंट ईयर एंड ज्वाइनिंग ईयर, ज्वाइनिंग ईयर ऑफ एन एम्प्लॉई, ये दो चीज हम क्या करेंगे कीबोर्ड से इनपुट करेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा इनपुट थ्रू कीबोर्ड, क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इफ द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द एम्प्लॉई हैज सर्व द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटर देन 3, अगर एम्प्लॉई जो है उसका जो सर्विस ईयर है, नंबर ऑफ सर्विस ईयर मतलब कितने साल उसने काम किया है, वो अगर ग्रेटर देन मान लीजिए 3 है तो हमें क्या करना है, तो हमें उसको देना है बोनस, कितना देना है 2500। ठीक है, इफ द ईयर्स ऑफ सर्विस इज नॉट ग्रेटर देन 3, और अगर नहीं है मान लीजिए कि इज लेस देन 3 है तो हमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, नो एक्शन। ठीक है, इस चीज का हमको प्रोग्राम बनाना है। तो इस चीज का जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो देखिए इस प्रोग्राम में क्या होगा, जैसे हमने मान लीजिए प्रोग्राम शुरू किया यहाँ से, तो हमने पहले स्टेटमेंट दे दिया, कमेंट दे दिया, कमेंट लाइन यहाँ पे दे दी, हमने कहा कि सब कैलकुलेशन ऑफ से बोनस, हमें बोनस कैलकुलेट करना है, इस चीज का हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे उसका, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं अपना हेडर फाइल हमने इंक्लूड किया, तो हमने कहा इंक्लूड stdio.h, stdio.h, ये हमने इंक्लूड कर ली हेडर फाइल। अब इसके बाद क्या करेंगे कि मेन फंक्शन शुरू कीजिए, तो हमने कहा मेन, और यहाँ से मेन की बॉडी शुरू होती है। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या क्या हमने कहा, इंटीजर एक हमने ले लिया बोनस, ठीक है, दूसरा इस समय कौन सा ईयर चल रहा है, तो हमने कहा प्रेजेंट ईयर, तो हमने कहा से करेंट ईयर को हमने लिख दिया CY, फिर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग तो हमने लिख दिया YOJ, ये वेरिएबल ले लिया। ठीक है, फिर हमने कहा कि सर्विस ईयर कितने साल उसने काम किया, तो हमने इसको ले लिया से SERER, YR, सर्विस ईयर, कुछ भी ले सकते हैं आप, जानते हैं वेरिएबल को आपके ऊपर है, बस एज पर सिंटैक्स हो, तो ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमको करेंट ईयर जो है, जो सर्विस ईयर है वो ईयर ऑफ ज्वाइनिंग वो एंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर द करेंट ईयर, मतलब इस समय कौन सा साल चल रहा है, करेंट ईयर, चाहे पूरा लिख लीजिए करेंट ईयर, एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ये करके हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट एंड कर दिया यहाँ पे। ठीक,
अब इसको हम एंटर कराएंगे इन वैल्यूज को, तो हमने कहा स्कैन एफ और परसेंटेज। अब यहाँ पे डाटा टाइप आपने क्या लिया है, सारा इंटीजर लिया है, INT लिखा है ना इंटीजर, तो हमने कहा परसेंटेज डी, ये मान लीजिए करेंट ईयर के लिए हो गया। फिर हमने लिखा परसेंटेज डी, ये हो गया ईयर ऑफ ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोर्स क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे चूंकि इनपुट करना है तो एम परसेंट, और करेंट ईयर के लिए वेरिएबल क्या लिया है सी वाई, तो हमने लिखा सी वाई, और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग के लिए वाई ओ जे, तो फिर हमने लिखा एम परसेंट वाई ओ जे, इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्कैन एफ स्टेटमेंट एंड हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, सर्विस ईयर, तो यहाँ हम लिखेंगे कि SER सर्विस ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट ईयर माइनस ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ये हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमको सर्विस ईयर पता चल जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि उसको हमें चेक करना है कि अगर तीन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट देंगे, इफ यहाँ हम लिखेंगे सर्विस ईयर इज ग्रेटर देन थ्री, ठीक है, अगर तीन से ज़्यादा है तो क्या करना है, हमें ये करना है कि सॉरी बोनस उसको 2500 रुपये असाइन करना है और उसको प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे अगर हमें दो स्टेटमेंट देने हैं, दो या दो से ज़्यादा देने हैं, तो हमने यहाँ ये इफ की कर यहाँ ब्रेसेस लगा दिए हमने, यहाँ हम लिखेंगे बोनस कितना दे देंगे 2500, ये दे दिया हमने, और इसको फिर हम प्रिंट करा देंगे कि बोनस इतना हुआ। तो हमने कहा प्रिंट एफ, यहाँ हम लिखेंगे परसेंटेज डी बोनस के लिए, और यहाँ कॉमा लगाया हमने, और यहाँ हमने लिख दिया चूंकि ये आउटपुट स्टेटमेंट है इसलिए एम परसेंट नहीं लगेगा, हम लिख देंगे बोनस, और यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका स्टेटमेंट जो है ईजिली बना सकते हैं, प्रोग्राम हम इसको ईजिली बना सकते हैं। अब इसमें चीज़ क्या है, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली, वो ये है कि मान लीजिए हमने कहा कि जो हमने इफ़ स्टेटमेंट दिया है, से हमने इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे जो अभी दिया था, उसमें अगर आपको दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट देने हैं तो उसको आप जितने भी स्टेटमेंट चाहें आपको इफ़ के बॉडी के अंदर ही देना होगा। जैसे आपने ये लिखा था, आपने लिखा इफ़ सर्विस ईयर SER YR इज़ ग्रेटर देन थ्री, ये लिखा था आपने। अब यहाँ पे हमने कहा कि मान लीजिए हम ये लिखना चाहें कि दिस इज ए सीनियर एम्प्लॉई, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट एफ, ठीक है, दिस इज ए सीनियर एम्प्लॉई, ये लिख दिया हमने, ठीक। और उसके बाद हमने कहा कि बोनस इसके लिए अलाउ है, कि बोनस इज अलाउड, तो फिर हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ, और यहाँ हमने लिख दिया बोनस इज अलाउड, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद मान लीजिए बोनस हमें 2500 रुपये देना है, तो हमने बोनस में क्या ट्रांसफर किया, बोनस वेरिएबल में हमने ट्रांसफर किया 2500 ऐसे, ठीक। अब हमने प्रिंट कर दिया कि इसको बोनस कितना मिला, तो हमने फिर से प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट एफ, और इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहां हमने लिख दिया बोनस अवार्डेड इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने कहा रुपीस में तो रुपीस, और यहां के बाद वैल्यू देनी है हमें, तो हमने लगाया परसेंटेज डी कोर्स क्लोज कॉमा, यहाँ हम लिख देंगे बोनस, चूंकि ये आउटपुट वेरिएबल है इसलिए एम्परसेंट साइन का यूज नहीं होगा, और यहाँ स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे। ये आपका यहाँ पे इफ की बॉडी यहाँ पे जाके क्लोज होगी, और फिर प्रोग्राम जो मेन की बॉडी है वो यहाँ बंद होगी, ठीक। तो इस तरह से आप जितने चाहे उतने स्टेटमेंट आप इफ के बॉडी के अंदर दे सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको हमने क्लियर कर दी। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट्स है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो वो आप जो है
कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, देखिए आपके स्क्रीन पे, तो आपके स्क्रीन पे क्या सीन आएगा वो आप समझ लीजिए कि जब सबसे पहले तो ये आएगा कि एंटर करेंट ईयर एंड डेट एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, वो आप कीबोर्ड से एंटर कर देंगे। मान लीजिए आपने एंटर किया, से सपोज कीजिए आपने एंटर किया 2023, ठीक। फिर वो बोलेगा ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो ईयर ऑफ ज्वाइनिंग आपने एंटर किया से 2019, ठीक। अब वो क्या करेगा, इसको इनका डिफरेंस निकालेगा सर्विस ईयर में, और डिफरेंस कितना आएगा 4। तो फिर वो इफ कंड यहाँ पे आएगा, इफ कंडीशन में अगर सर्विस ईयर इज ग्रेटर देन 3, मतलब 4 क्या है, 4 ग्रेटर देन 3 है, तो ये लाइन प्रिंट होगी, दिस इज ए सीनियर एम्प्लॉय। फिर ये लाइन प्रिंट होगी, बोनस इज अलाउड, और फिर ये लाइन प्रिंट होगी, बोनस अवॉर्डेड इज इक्वल टू रुपीज, और बोनस में यहाँ पे वैल्यू कितनी है आप देख रहे हैं, यहाँ पे है 2500 रुपये। तो लास्ट लाइन इसकी आ जाएगी कि बोनस अवॉर्डेड इज इक्वल टू रुपीज, और जो वैल्यू थी बोनस में कितनी, 2500। इस तरह से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप इसको कमेंट करके पूछिए, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हियर द स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंडीशन हैव बीन इनक्लोज विद इन ए पेयर ऑफ ब्रेसेस, यानी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो भी काम आपको कराना है वो आप इन ब्रेसेस के बीच में दे देंगे स्टेटमेंट्स में। इफ ए पेयर ऑफ ब्रेसेस इज नॉट यूज देन द सी कंपाइलर अज्यूम्स दैट द प्रोग्राम प्रोग्रामर वॉन्ट्स ओनली द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द इफ इज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन सेटिस्फेक्शन। अगर आप ये ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो क्या होगा कि देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हुआ और केवल ये लाइन एग्जीक्यूट हो, ये लाइन प्रिंट होगी, और मतलब इफ के साथ केवल ये लाइन रह जाएगी, ठीक है ना। इफ के साथ यानी कंडीशन का क्या हुआ कोई मैटर नहीं करता, वो फिर ये लाइन हमेशा प्रिंट होगी, ये हमेशा प्रिंट होगी, ये हमेशा प्रिंट होगी, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि अगर सर्विंग ईयर 3 से ज्यादा है तो ही ये काम करना है, तो इस ये काम तभी होना है जब सर्विंग ईयर 3 से ज्यादा है, तो इसीलिए इन ब्रेसेस का यूज करना जरूरी होता है। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स विद इन इफ। अब इसका फ्लो चार्ट आप बनाना चाहें, फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। मैंने पिछले कई प्रोग्रामों में आपको प्रोग्राम भी बताया है, उसका फ्लो चार्ट भी बनाया है, अगर आप बनाना चाहें तो चलिए इसका फ्लो चार्ट भी बना देते हैं आपको। देखिए कैसे होगा, इसी प्रोग्राम का अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो क्या होगा, पहले हमने यहाँ से क्या किया, स्टार्ट लिया, तो हमने लिख दिया स्टार्ट, ठीक। उसके बाद इनपुट करना है, तो हमने यहाँ पे ये लिखा इनपुट, इनपुट, और इनपुट हमें करना क्या है, करेंट ईयर और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ये हमने लिख दिया। अब इनपुट करने के बाद क्या करना है हमको, पहले इनका डिफरेंस निकालना है, तो हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग बॉक्स में क्या लिखा, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया सर्व ईयर इज इक्वल टू करेंट ईयर माइनस ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट लग जाएगा, ठीक है, इफ वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आप लगाइए, ठीक। इफ क्या होगा कि अगर आपका सर्व ईयर है वो ग्रेटर देन 3 है, अब दो कंडीशन होगी, या तो है मतलब यस, और नहीं है तो नो, ठीक। अब यस है तो हमें क्या करना है, बोनस उसको अवार्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, बोनस अवार्ड कर देंगे उसको, कितना 2500, ये हमने बोनस दे दिया और उसको प्रिंट करा दिया, ये हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, प्रिंट और क्या बोनस, ये हमने बोनस यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इसके बाद प्रोग्राम एंड होगा, यहाँ पे नो के बाद भी प्रोग्राम एंड होना है, तो आपको मालूम है कि सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक जगह पे लाके करें, एक कनेक्टर पे लाके हम इसको एंड करेंगे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे स्टॉप, ये हो जाएगा आपका स्टॉप। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट से भी इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।